Good morning. Tired. You've done brush also, you wash your face also. Still you're tired. चलो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करो. Then we have to get ready. Yeah. Okay, finish your breakfast. Come on. Okay. मेरा बच्चा जल्दी दिखाओ अपनी छोड़ने. और यहाँ पर रेडी हो चुकी है मेरी कॉफी. So good morning ho gayi Abir. Good morning. After 1 week of holiday you're going to school. Are you excited? Yeah. Chalo apne wo paise wo sab kuch rakh diya apne? Money. Yeah. Chalo. I got 60 pounds. You have a cricket match today? Yeah. Okay. Chalo. Let's go. And have a good time, okay? Bye, love you. Bye, love you too. Good morning. Kaise hain sab log? Actually good morning nahi, good afternoon ho chuki hai. आज सुबह सुबह उठ के मैं जिम चली गई थी. लाइक सुबह सुबह इन द सेंस जब अभी स्कूल गया क्योंकि आज सौरभ ने उसको स्कूल ड्रॉप करना था. आई वेंट टू जिम, हैड एन अमेजिंग अमेजिंग वर्कआउट विद माय फ्रेंड. तो कल हम दोबारा वर्कआउट करेंगे और कल मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी जिम के अंदर और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आजकल. तो आज हमने कुछ नई एक्सरसाइजेस करी. वैसे टांगे मेरी जवाब दे चुकी हैं, बहुत बहुत दर्द हो रहा है. ये अनवांटेड मेहमान घर बना रहा है. यू नो मेरे को मास्क लेके आना था, आज मैं लाना भूल गई. तो एक मास्क मैं यूज करती हूँ जब भी मेरे को, वैसे मुझे पिंपल्स ये जो भी आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो पिंपल और क्या बोलोगे, अनवांटेड मेहमान ही बोल देते हैं, मुझे बहुत कम होते हैं लेकिन जब भी होते हैं मैं वो मास्क लगाती हूँ. बस वो वहीं पर लगाना होता है जहां पर आपको वो स्पॉट आया होता है तो, और उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है और आपको कोई निशान भी नहीं पड़ता है. तो मैं आपको वो मास्क होपफुली हाँ कल के ब्लॉग में पक्का दिखाऊंगी. ठीक है जी. अभी अभी स्कूल से आ चुके हैं, आज इसका पहला दिन था स्कूल में छुट्टियों के बाद एंड ही हैड अ गुड टाइम. तो अभी आता है आपको मिलवाती हूँ. मैं उसके लिए बना रही हूँ रोटी और अपने लिए बनाती हूँ बढ़िया वाली कॉफी. थोड़ी सी थकी थकी लग रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्कआउट. तो हाँ जी, फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में? आई गॉट बीट अप बाय अ रॉबर्ट डकी. हैं? आई गॉट बीट अप बाय अ रॉबर्ट डकी. व्हाट इज रॉबर्ट डकी? रबर डकी ने तुम्हें बीट कर दिया? बीट अप बाय रबर डकी. गॉट बीट अप बाय रबर. इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी अभी, कुछ भी. एनीवे, बहुत नॉटी है. जब मैं से पूछते हैं स्कूल कैसा था तो पूरा बताता है कि पहले मैं स्कूल के अंदर गया, मैंने वॉक करी. Okay, so I walked into my school, good walk I told you, and I came in my classroom, unpacked my bag, and I did some artwork. I'm going to show you guys. हाँ ये आर्ट में, ये तो बहुत अच्छी चीज आप लेकर आए हो. गुड गुड गुड, ये तो दिखाओ सबको दिखाओ. ये हमने उस दिन दिखाया था. अच्छा ठीक है. हाँ ये वाला दिखाया था हमने. नहीं I didn't think so, but maybe you did, sorry. Okay, ठीक है. अगला Charizard, I really like this drawing. It's really. आपको कलर फिल करने चाहिए इसके अंदर. I don't like filling these colors. अच्छा चलो अगला दिखाओ, अगला बहुत इंटरेस्टिंग है. If I have colors, I need filler. ये देखो अभी ने. I love this one. चलो कमेंट्स में बता दो ये कौन सा कैरेक्टर है ना? Yeah. ठीक है, सबको सबसे कमेंट करो और बता दो. Comments. अभी ये वाला तो बहुत अच्छा करा. Do you know what it is? I know it. Yeah. Primark में इसकी पूरी थीम है, इसके थीम के कपड़े, okay, बैग्स, सूटकेस सब कुछ मिलता है. चलो अब खाना खाते हैं. ठीक है. अच्छा ठीक है. Yeah. हाँ दीदी. एवरीवन, तो मेरी कॉफी हो गई है रेडी. आपका वेलकम है नए व्लॉग में. और मैं जा रही हूँ अभी को स्कूल छोड़ने. तो और मुझे कॉफ़ी लेके जानी बहुत ज़रूरी थी. वो क्यों ये मैं आपको बताती हूँ. तो मैं अभी को स्कूल छोड़ती हूँ, अभी आपको मिलवाती हूँ अभीर से. गुड मॉर्निंग मास्टर ब्लास्टर. ओए कंघी नहीं करी तुमने? तुम शावर लेके कंघी करते ही नहीं हो भाई. कंघी करो, तुम कभी भी शावर लेके कंघी नहीं करते. अभी ठीक तरह से करना. ठीक है. थैंक गॉड आई गॉट अ कॉम इन द कार. चलो अभी चलते हैं. हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं सब लोग? तो मैंने अभीर को स्कूल छोड़ दिया है. बहुत टाइम पर पहुंच गए थे हम लोग. तो अच्छा है यार, समर में ना आप टाइम पे उठते हो, टाइम से हर काम होता है. विंटर में क्या होता है, इतना अंधेरा हो रखा होता है, ऊपर से ठंड. उठने के 15-20 मिनट तक तो बंदा अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि इतनी ठंड जो होती है. लेकिन समर में सब कुछ बढ़िया रहता है. 5:30 भी नहीं, इनफैक्ट आई थिंक 4:15-4:30 उजाला होना शुरू हो जाता है. सो विच इज़ रियली वेरी गुड. और पता है मैंने हमेशा देखा है समर में ना आपकी एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं
और मैं उस तरफ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि एक मम आ रही है और शी इज वेविंग एट मी, तो मैं एक मिनट उनसे मिल के आती हूँ। तो अबीर का क्लासमेट है डारियो, तो उसकी मॉम थी। डारियो एक दो बार हमारे ब्लॉग्स में भी आया है, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो यू मस्ट हैव सीन इट। तो बस मैं उनको हाय हेलो कर रही थी। एनीवे, मैंने घर से निकलते हुए बोला था कि मुझे कॉफ़ी लेके जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। 9:45 पे मेरे को जिम पहुंचना है, तो उससे पहले मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ। मैं वर्कआउट से पहले कोई वो प्री वर्कआउट ड्रिंक कुछ नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि यू नो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर ना कैफीन होता है, वो आपकी जो अलर्टनेस होती है ना, अलर्टनेस का जो लेवल होता है ऑब्वियसली उसको इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी में एक बूस्ट लेके आता है, आपके एनर्जी लेवल्स को क्या बोलेंगे वो बरकरार रखता है यू नो, और आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। मुझे प्री वर्कआउट ड्रिंक्स वैसे ही पसंद नहीं आते हैं, और मुझे वो सब कुछ मिल जाता है ब्लैक कॉफ़ी से जो मुझे वर्कआउट से पहले चाहिए होता है। तो बस अब कॉफ़ी पीते पीते जाऊँगी घर वापस, और साथ में लगा लेंगे अपने गुरु जी का सत्संग, तो दोनों काम हो जाएंगे। और घर पहुंच के थोड़ी देर एडिटिंग पे बैठूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, एकदम से काम नहीं करना शुरू करूंगी, बिकॉज फिर मुझे अपनी जिम के लिए निकलना है, तो जिम से पहले थोड़ा रेस्ट हो जाएगा ताकि मैं अच्छी तरह से अपना वर्कआउट कर पाऊँ। ठीक है जी, अभी चलते हैं घर और फिर आपको लेके चलते हैं जिम। तो मैं जिम आ चुकी हूँ। आई नो यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर अभी अभी हमने एक एक्सरसाइज करी है। सहाना टॉट मी, सो सहाना इज हियर। हेलो, व्हाट डू यू कॉल दिस एक्सरसाइज? द वन व्हिच वी डिड जस्ट इट, स्क्वाट जंप, राइट? सो वी टुक द वेट्स इन आवर हैंड्स, आई विल शो यू इन अ मिनट। तो 2.5 केजी का वेट था दोनों हाथों में, और हमने स्क्वाट जंप करा है, एंड दैट्स गुड फॉर योर बेली फैट एंड योर ओवर, इट्स ऑल ओवर योर बॉडी, मोस्ट फुल बॉडी। हाँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तो मैं आपको एक मिनट में दिखाती हूँ। सो आई टुक द वेट्स इन माई हैंड, so I took the weights in my hands, और ये 2.5 kg का है। You want to do it then? Yeah. Wait. ठीक है, fine. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं जिम आ चुकी हूँ। आई नो यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर अभी अभी हमने एक एक्सरसाइज करी है। सहाना टॉट मी, सो सहाना इज हियर। हेलो, राइट? सो वी टुक द वेट्स इन आवर हैंड्स, आई विल शो यू इन अ मिनट। तो 2.5 केजी का वेट था दोनों हाथों में, और हमने स्क्वाट जंप करा है, एंड दैट्स गुड फॉर योर बेली फैट एंड योर फुल बॉडी। हाँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तो मैं आपको एक मिनट में दिखाती हूँ। So I took the weights in my hands. और ये 2.5 kg का है। अब हम करने लगे हैं कैटल बेल से एक्सरसाइज, तो हमने लिया 8 kg का कैटल बेल, आप कम भी ले सकते हो। भगवान, मजा आ गया आज वर्कआउट करके। हालांकि दर्द बहुत हो रहा है, टांगों में बहुत दर्द है सीरियसली, लेकिन वो कहते हैं ना वो मीठे वाला दर्द है, तो खैर अभी जोश जोश में मीठे वाला दर्द बोल रही हूँ, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है। और सौरभ दो दिन घर पे नहीं है,
वो गया है बेलफास्ट, बेलफास्ट के बाद जाएगा मैनचेस्टर, मैनचेस्टर के बाद पता नहीं कहाँ, पूरे यूके भ्रमण पे निकला हुआ है वो, विच इज गुड, उसका काम है, सो आई रिस्पेक्ट इट. और मैं तो हमेशा ही उम्मीद करती हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे वो और जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करे जो उसने ड्रीम करा हुआ है. तो बाकी चलो काम तो चलता ही रहेगा. तो वो घर पर नहीं है दो दिन के लिए, और अभी मुझे आज अबीर को स्विमिंग लेके जाना है. तो हमने अबीर को इंटेंस स्विमिंग क्लासेस में डाला है गाइस, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. आज उसकी पहली स्विमिंग क्लास है, देखते हैं कैसी जाती है. तो वी आर प्रिपेयरिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, और उसको स्विमिंग बहुत पसंद है. उसकी एलर्जीज के लिए, उसकी ब्रीदिंग के लिए स्विमिंग वैसे ही बहुत अच्छी चीज है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो खुद से भी करना चाहता है. तो आज उसको स्विमिंग क्लास भी लेके जाना है. अभी घर चलते हैं, करते हैं एडिटिंग ब्लॉग की, फटाफट फिनिश करते हैं, घर वर ठीक करते हैं. आज हाउस हेल्प नहीं है, हाउस हेल्प मतलब मेरा पति आज घर पे नहीं है, वरना उसके होने से तो भैया एक और एक 11 हो जाते हैं हम दोनों. तो बहुत सारे काम है, चलते हैं घर. दोस्तों बहुत ही दुख के साथ, मुझे दुख है, सीरियसली मुझे दुख है. सौरभ ये क्लिप देखेगा, बोलेगा तेरे साथ ही होता है हमेशा. गाइस मैंने बच्चे को स्कूल से ले लिया. आई स्वेयर यार, इतना गंदा ट्रैफिक स्कूल के बाहर, इतनी लंबी लाइनें, कोई पार्किंग की जगह नहीं. तीन चार पांच तो स्कूल की बसेस. मेरे को मैं सच बता रही हूँ यार, आई वाज आउट फॉर पार्किंग इजीली. पता है यार सीरियसली, अभी आई एम सीरियस बेटा. आपको लगता है कि मैं आपकी स्विमिंग की क्लास मिस करूंगी और एक दिन के पैसे वेस्ट करवाऊंगी एक क्लास के? डिड यू लुक एवे यार, फिर हम ना स्विमिंग के वहां पर गए भी 4:15 हो गए थे यार, वहां पे पार्किंग नहीं मिल रही. अब मिस करनी पड़ी है स्विमिंग की क्लास. 4:30 होती है, 4:17 तो गाड़ी के अंदर ही हो गए थे हमें. इतनी शर्मिंदगी होती गोरों के सामने मुझे अगर मैं जाती भी तो. यार आई एम वेरी सॉरी बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी यार. मैंने हर जगह देखा है, हर जगह नहीं मिली पार्किंग. हाँ ये थोड़ा गर्मी है ना, ये वॉटर क्यों है इतना? चलो खा लो. ये खा रहा है अपना ग्रीक योगर्ट, स्ट्रॉबेरी वाला, बड़ा स्वाद होता है. ये नीरो में मिलता है, नीरो कैफे नीरो में. चलो चलो स्पून से खा लो, एक चम्मच मुझे भी देना. ठीक है, और मैंने अपने लिए लिया है एक वेज सॉसेज रोल. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला घर में खाना खाने का. हाँ नाइस हेवन, बहुत स्वाद था. जिम खत्म करी, घर गई, ब्लॉग एडिट करा, घर के थोड़े बहुत काम करे, भाग भाग कर आई कि बच्चे को स्विमिंग लेके जाना है. स्विमिंग पहुंच के आप लोगों से बात करूंगी और देखो यहाँ प्रॉब्लम ही हो गई. सॉरी गाइस, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, रियली सॉरी, सॉरी टू माय हस्बैंड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे जरूरी सॉरी टू माय हस्बैंड. भाई माफ कर दियो, हंस रहा होगा, बताइए वीडियो देख के हंस रहा होगा. मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं आज की क्लास मिस करूंगी, पता नहीं इतना भरोसा कैसे है सोच पे. चलो कोई नहीं, चलते घर चलते.